बंदी आदाब बजा लाती है गुलनार बेगम। इतनी रात गए क्या लेने आई हो? आए हाय, अब बीती हुई बातों का गुस्सा थूक भी दो और बंदी को अंदर आने की इजाजत तो दो। आओ। शुक्रिया। बैठो। बताओ क्या बात है? लो, करीमन के पास सिवाय रिश्तों के और क्या बात हो सकती है भला? तो इस बार कैसा रिश्ता लाई हो मेरे समीर के लिए? ऐसा रिश्ता लेकर आई हूँ कि सुनते ही दांतों तले उंगली ना दबा ली तो करीमन भी नाम नहीं मेरा। देखो करीमन भी, मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर समीर नहीं चाहेगा तो ये रिश्ता नहीं होगा। तो समीर अपने मुंह से आकर कहेगा कि अम्मी अम्मी मेरी शादी करवा दो। अगर वो शादी करना चाहेगा तो जरूर कहेगा, मगर मुझे अफसोस है कि वो ऐसा कहेगा नहीं। हीना को तलाक दे देने के बाद वो अपने ही पछतावे की आग में जल रहा है और हीना को खो देने का एहसास उसे खाए जा रहा है। हाँ, तो यूं कहो ना कि समीर के हवास पर बस एक हीना ही छाई हुई है। हाँ करीमन भी, अब तो ये घर भी हीना की कमी का सदमा झेल रहा है। तो ये करीमन किस मर्ज की दवा है? मैं जिस लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ ना, वो हीना की कमी दो दिन में पूरी कर देगी। हाँ सच कह रही हूँ, बड़ी ही बाइखलाक, सलीके मंद, खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की है। तुम क्या सोचती हो कि हीना में ये सारी खूबियां हैं? घर के लिए वारिस भी तो चाहिए ना। क्या शजरा यहीं आकर खत्म हो जाएगा? उसे रास्ता दिखाना तुम्हारा काम है। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी, पर तुम ये तो बताओ वो लड़की कहाँ की रहने वाली है, कौन है, किसकी बेटी है? बताती हूँ, तुम पहले अपना दिल थाम कर बैठो। इस लड़की का नाम है जीनत। वो अपने डॉक्टर साहब है ना, सरफराज साहब, उनकी जो आपा है, ननद की बेटी है। क्या? हाँ, और इन दिनों वो डॉक्टर साहब के घर पर ही रह रही है। तुम चाहो तो डॉक्टर साहब से उसके चाल चलन के बारे में पूछ सकती हो। कोई जरूरत नहीं है, हमें रिश्ता नहीं करना। क्यों? करीमन भी, जिस घर से तुम रिश्ता लेकर आई हो वहाँ हीना रहती है। तो इसमें क्या बुराई है? क्या समीर और हीना का सामना नहीं होगा? क्या बीतेगी उन दोनों के दिलों पर? लेकिन जब समीर और अकरम की दोस्ती कायम रह सकती है, तुम क्या सोचती हो समीर और हीना का आमना सामना नहीं होता होगा? जब दोस्ती कायम रह सकती है तो रिश्तेदारी क्यों नहीं हो सकती? पर उनकी दोस्ती तो बचपन से है, और फिर ये कितनी गैर मुनासिब बात है कि हीना के हाथों समीर की दुल्हन रुखसत हो। नहीं नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं फिर दूसरा रिश्ता लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे समीर मियाँ, आधा वर्ष है, मैं मालेगांव जा रही हूँ, वहीं से तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊंगी, फिर मुलाकात होगी। है शब्बा खैर। शब्बा खैर। अम्मी, अब आप मेरी शादी की उम्मीद छोड़ दीजिए, मुझे तनहाई जीना है और यही मेरा मुकद्दर है। शब्बा खैर। अबू, आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। फूफी जान, आप जरा कहने की जरूरत नहीं है, मैं सरफराज का पूरा ध्यान रखूंगी। बेटी, दो तीन दिन की तो बात है, कौन सा लंबे अरसे के लिए जा रहे हो तुम? बस तुम वहां जाकर अपना ख्याल रखना। जी अब्बू, अल्लाह तुम्हारा सफर आसान कर दे। आमीन। खैरियत से जाओ और खैरियत से लौटो, और हाँ, वहाँ पहुँचते ही फोन जरूर कर देना। जी जरूर कर दूंगी, और आप बात बात पे जीनत को डांटिएगा मत। अरे वो कुछ गलत करेगी तो बख्शूंगी उसे। बेटी तुम जीनत की बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तक तुम लौट कर नहीं आती तब तक आपा के गुस्से से मैं उसकी हिफाजत करूंगा। जाओ बेटे, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। आमीन। आओ हीना। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज पुपी जान। अपने कमरे में होगी। वो ने रुखसत करनी है। मैं भी देखती हूँ।
दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, एक लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई, आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है, अब यहां खड़े क्या सोच रही हो? हीना ले उड़ी तुम्हारे अक्रम को, ये सब आपकी वजह से हुआ है ना, आप अंकल की हामी भरती ना आपको मुझे रोकना पड़ता। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, वरना सरफराज को शक हो जाता कि मैं तुम्हारी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हूँ। आपकी इसी डर ने आज मुझे दिन दिखला दिया। अरे, सारा इल्जाम तुम मुझे को दो और जो तुमने किया वो कुछ नहीं, जरा सी हार का मुंह देखना पड़ा तो कसूरवार मैं ठहरी, जरा अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखो मैंने किया क्या है जो आप मुझे ताने मार रही है। अरे वाह वाह वाह, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि इतनी अच्छी बनने का नाटक मत करो, रूहा गरम देखो और हथौड़ा मार दो। हीना को एतमाद में लेने की बजाय अगर अक्रम को अपने बस में करती तो सरफराज के लाख मना करने के बावजूद भी वो तुम्हें साथ लेकर जाता। अब वो दोनों सावन खेत की रंगीन वादियों में मस्त रहेंगे और तुम यहाँ अपने दिल के छाले फोड़ती रहना। बस कीजिए मामी, मैं और सुन नहीं सकती। अभी तो सिर्फ सुनकर तुम्हारा ये हाल है, जब उन दोनों को हंसी खुशी लौटता देखोगी तब क्या करोगी तुम? तब हीना की गोद भराई की रस्म में थपड़ी बजाती बैठी रहना। अक्रम सिर्फ मेरा है। लेकिन हीना तो अब उसकी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो चुका, भूल जाओ अक्रम को। हरगिज नहीं, आप हार मान सकती है मामी लेकिन मैं नहीं। उस हीना की बच्ची की वजह से मेरे बेटे को इस घर से जाना पड़ा है, तुम्हें भी इस घर से जाना पड़ेगा, किसी और की दुल्हन बनकर देख लेना तुम। इस घर में जाबिर भी आएगा और मैं अक्रम की दुल्हन भी बनूंगी, ये मेरा दावा है। ऐसे दावे तो मैंने भी किए थे मगर सब बेकार। मेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी मामी, मैंने अपनी इस हार से बहुत कुछ सीखा है, अब मैं हीना को सबक सिखा के रहूंगी, मैं अक्रम को हासिल करके रहूंगी। ऐसा तुम कह तो रही हो मगर मुझे उम्मीद नहीं है। आपा, क्या बात है सरफराज? अब मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। ऐसे जाओगे? हीना नहीं है तो क्या हुआ, जीनत तो है, वो तुम्हारे लिए दोपहर का खाना पैक करिए, साथ लेते चलो। ठीक है आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बाहर जा रहे हैं शायद? बाहर कहाँ, बस यूँ ही क्लिनिक जा रहा था। अब तुम आए हो, थोड़ी देर बाद सही आ जाओ। तुम शायद किसी को तलाश कर रहे हो। जी वो अक्रम दिखाई नहीं दे रहा। बेटा वो सावन खेत गया है। हीना भी गई है साथ उसके। अंकल आप कैसे हैं? बस अल्लाह का फजल है बेटे। हाँ वो हमारे फैजान मियां कैसे हैं? जी वो भी ठीक है, काफी दिनों से उनसे बात नहीं हुई। अंकल अक्रम वैसे कब तक लौटाएगा? बेटे हीना कह रही थी 2-3 दिन में लौटाएंगे। हीना गई है ना साथ उसके? मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया ऐसा। अब हीना तुम्हें क्यों बताएगी? मैं अक्रम की बात कर रहा था। बेटे वहां पे कोई बंगला बिक रहा था, अगर उसे खरीद कर गेस्ट हाउस बनाना चाहता है, उसी सिलसिले में वो दोनों गए हैं, आज सुबह ही गए हैं। तो फिर अंकल उनका कयाम भी उसी बंगले में होगा? नहीं बेटे उस बंगले में नहीं, वहाँ एक होटल है वो, हाँ वो सोना पैलेस, वहाँ पे ठहरे। अच्छा अंकल मुझे इजाजत दीजिए, आपको भी देर हो रही होगी, जब अक्रम आएगा मैं वापस आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो वाकई अक्रम से मिलने आया था? नहीं तो और क्या। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मैं कुछ समझा नहीं आपा। तुमने देखा नहीं, वो चोरों की तरह इधर उधर देख रहा था,
अब बातों बातों में इसने सारी मालूमात हासिल कर ली है। मैंने पूरा जायजा लिया है उसका। और जब उसे पता चल गया कि हीना यहाँ नहीं है, तब तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ये क्या फजूल की बात कर रही है आप? समीर मेरे अपने बच्चे की तरह है और बच्चों पे हमें भरोसा करना चाहिए। आइंदा आप ऐसी बेबुनियाद बात ना करेंगी और ना सोचेंगी। कैसे लगे? बहुत खूबसूरत है। अगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। नहीं! क्या हुआ? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अकरम मेरा है, वो हीना का नहीं हो सकता। मैंने देखा वो और हीना। तुमने ख्वाब देखा होगा। लोग रात के अंधेरे में ख्वाब देखते हैं। तुमने दिन के उजाले में ख्वाब देखा, वो भी जागते हुए? काश कि ये ख्वाब ही हो। तुमने देखा क्या? अकरम हीना का हो गया। मुझे सावन के जाना चाहिए। तुम होश में तो हो? अकेले भला कैसे जाओगी? मैं जाऊंगी। मैं अकरम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम अपने आप को संभालो। तुम्हारे इस पागलपन की खबर अगर सरफराज को हो गई तो आफत आ जाएगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम जरूर कोई मुसीबत खड़ी कर दोगी। तुम्हारे साथ साथ सरफराज मुझे भी घर से निकाल देगा। आपको अपनी पड़ी है। मेरे दिल पर कयामत टूट रही है। कयामत तो तब आएगी जब तुम्हारे इस जुनून का सबको पता चल जाएगा। तुम्हारे अरमान सारे धरे के धरे रह जाएंगे। लोग कहेंगे तुमने जिस थाली में खाया है उसी में छेद किया। फिर तो अकरम भी तुमसे बदगुमान हो जाएगा। हीना चौकन्ना हो जाएगी। अकरम से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं मामी, कैसे समझाऊं? सब्र करो, नादानी में कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाओ। अच्छी जगह है ना? हाँ, ये लो। थैंक यू। ये लो, ये लो। थैंक यू। हाँ, तो क्या ख्याल है? आप पहले पेस्टन जी को फोन करके ये तो बता दीजिए कि हम सावन खेत पहुंच चुके हैं। गुड आइडिया, अभी कर लेते हैं। आओ बैठो। हेलो मिस्टर पेस्टन जी। यस पेस्टन जी स्पीकिंग। तुम कौन बोलता है? जी मैं अकरम बोल रहा हूँ। अरे डिकरा, अकरम हो के चक्रम हमको क्या फर्क पड़ता है? तुमको काम क्या है? लगता है जाफरी अंकल ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं। ओ तुम जाफरी अंकल वाला अकरम हो तो पहले से बोलना चाहिए कि नहीं तेरे को। ए, तुम कहाँ से बात करता है? बंबई से? जी नहीं, मैं सावन खेत में हूँ। अरे सावन खेत कभी आ गया तुम? आज ही आया हूँ। अरे लेकिन तुम आज सावन खेत में आया तो सावन खेत में कहाँ पर है? जी मैं होटल सोना पैलेस में रुका हूँ। अकरम तुम बिल्कुल गढ़ेरे के माफिक गढ़ेरा रह गया। सावन खेत में हमारा इतना बड़ा बंगला छोड़ के तुम होटल में उठ रहे? जी दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी भी मेरे साथ है। अरे तो मेरे साथ भी मेरी बीवी है। समझ गया समझ गया, प्राइवेसी का मामला है। नहीं ए, लेकिन अकरम तुम्हारी बीवी को तुम होटल के रूम के कमरे में बंद करके मत रखना। हमारे सावन खेत में बहुत देखने जैसी जगह है, बहुत घूमने जैसा है, घुमाना उसको। हा? जी ए, चलो धंधे की बात करो, धंधे की बात करो। तुम हमारा बंगला देखने कभी आता है? जी आज ही आना चाहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आज शाम को तुम हमारे घर पे आ जाओ, हमारे साथ डिनर करना। ओके ए अकरम, डिनर पे तो प्राइवेसी नहीं मांगता है ना? जी नहीं नहीं पूछना पड़ता है, इसके लिए पूछता है। नहीं हम दोनों आएंगे।
वेरी गुड वेरी गुड, तुम दोनों आ जाओ, हम दोनों मतलब मैं और मेरी बीवी तुम्हारा इंतजार करता है। ए, तुम्हारे पास हमारा एड्रेस तो है ना? हाँ नहीं है तो फिर मैं आके एड्रेस देके जाता हूँ तुमको। अरे नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका एड्रेस है मेरे पास, हम दोनों पहुंच जाएंगे। बाय। आज शाम का खाना पेस्टन जी के साथ होगा, आदमी बड़ा दिलचस्प मालूम होता है। अच्छा तो अब से शाम तक का क्या प्लान है? वही जो पेस्टन जी ने कहा है। क्या कहा उन्होंने? कि तुम्हें इस कमरे में बंद ना रखूं, बल्कि बाहर घुमाने के लेके जाऊं। प्लान अच्छा है, तो चले। जो हुकुम सरकार। लेकिन मैं पहले नहा लेता हूँ, हीना मेरे लिए प्लीज फ्रेश जोड़ी कपड़े निकाल दो ना। हेलो। हेलो, तुम अक्रम है ना? जी हाँ। अरे तो ऐसा बोलो ना, पेस्टन पेस्टन वो लोग आ गया। अरे वाह, तो हम भी आ गया। अरे अक्रम क्या बात है, तुम तो एकदम हैंडसम के माफिक लगते हैं। अरे वाह क्या लवली लेडी है, तुम्हारा वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। ए अक्रम, तुमको एक बात मालूम है क्या, हमने जब शादी किया ना तो हमारा वाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल था, अभी शादी को 30 साल हो गया ना तो ब्यूटी निकल गया और फुल रह गया। पिस्टन। अरे क्या पिस्टन कहता है, तुम ये लोग को इधर खड़े खड़े खाना खिलाएगी क्या? अरे ये लोग हमारा बंगला खरीदने आया है, भीख मांगने नहीं आया है। क्या है, उम्र के साथ उसका भेजा भी थोड़ा कम होता जाता है के, प्लीज डोंट माइंड ना के, चलो चलो प्लीज अंदर आओ 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 आओ। तुम्हारा बच्चा लोग किधर है? वो बच्चा एक्चुअली बात ऐसी है कि अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। देखो अक्रम, दिख रहा तुम हमारा बच्चे का माफिक है, इसके लिए तुमको एक बात बोलता है। क्या है कि दुनिया में पैसे वैसे का सुख अपनी जगह बराबर होता है, लेकिन जो औलाद का सुख होता है ना वो सबसे ऊपर होता है। देखो हम दोनों के बीच में भी बहुत झगड़ा होता है, फिर भी हम लोग एकदम सुखी है, मालूम क्यों? हमारा चार बच्चा लोग है। ए शिरिन, चार का नाम बोल ले। डोराब, सौरभ, परसी, कैरसी। लेकिन उन चारों में से तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहे। अरे तो कहाँ से दिखाई देगा, दिख रहा दो बंबई में सेटल हो गया, दो अहमदाबाद में सेटल हो गया, अभी हम लोग भी है ना ये बंगला बेच के उधर ही सेटल हो जाएगा वो लोग के साथ। बच्चा लोगों के बगैर जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है ना सच्ची, बच्चा लोग के बगैर जिंदगी एकदम बेकार है, एकदम बेकार। अक्रम, दिख रहा तुम हमारा बच्चे का माफिक है, इसके लिए तुमको एक बात बोलता है। क्या है कि दुनिया में पैसे वैसे का सुख अपनी जगह बराबर होता है, लेकिन जो औलाद का सुख होता है ना वो सबसे ऊपर होता है। देखो हम दोनों के बीच में भी बहुत झगड़ा होता है, फिर भी हम लोग एकदम सुखी है, मालूम क्यों? हमारा चार बच्चा लोग है सच्ची, बच्चा लोग के बगैर जिंदगी एकदम बेकार है, एकदम बेकार। क्या बात है जनाब, सोने का इरादा नहीं है क्या? काफी देर हो चुकी है। हीना पेस्टन जी सचमुच कितना खुश नसीब है जिसे औलाद का सुख नसीब हो। की है क्या?